हेलो भाई, मैं ऋषभ सिसोदिया। आज हम बात करें होंडा की HF डिलक्स, जो कि इंडिया की मोस्ट फेमस बाइक है। आप कभी बाइक लेने के बारे में सोचेंगे तो आप सबसे पहले हीरो की HF डिलक्स के बारे में जरूर सोचेंगे, क्योंकि ये मोस्ट सेलिंग बाइक है इंडिया की। तो भाई हमारे साथ है गाड़ी का ओनर शिवा चौहान, जो कि सीहोर मध्य प्रदेश से बिलोंग करते हैं। तो भाई फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम टू अवर चैनल। धन्यवाद मेरे भाई। तो भाई आपने इसको कितने किलोमीटर चला लिए? मैंने इसको 50,000 किलोमीटर चला लिए। भाई रुकिए, मैं आपको मीटर बता देता हूँ। भाई वैसे इसका मीटर बंद है, ये 50,000 किलोमीटर चली हुई है भाई। तो भाई आपको इसके नेगेटिव पॉजिटिव पता चल गए होंगे, आपने इतने किलोमीटर चला लिए। तो भाई फर्स्ट ऑफ ऑल इसके पॉजिटिव की बात करते हैं। तो भाई इसके पॉजिटिव, भाई इसका पहला पॉजिटिव ये है, मैं एक फार्मर हूँ, फार्मर के लिए बहुत अच्छी बाइक है, मैंने इसको। तो भाई आप किसी को रिकमेंडेड करेंगे कि भाई वो फार्मर है तो मतलब ये HF डीलर्स पे जाए? हाँ भाई बिल्कुल जाए, क्योंकि ये गाड़ी को खेत में या फिर कहीं भी अपन आराम से ले जा सकते हैं, छोटी बाइक है और इसमें ज्यादा खर्चा भी नहीं आता है। इसका पहला पॉजिटिव तो ये है। और भाई दूसरा पॉजिटिव? दूसरा पॉजिटिव ये है कि मतलब इस गाड़ी को मॉडिफाई करवाने के बाद ये नेक्स्ट लेवल की लगती है, इसका अलॉय व्हील वगैरह चेंज करवा देते हैं तो। और भाई तीसरा पॉजिटिव? तीसरा पॉजिटिव भाई इसका एवरेज का, मैंने जब एवरेज कितना देती थी आपको? एवरेज ये पहले 70 का देती थी, अब भगा भगा 70 क्लेम किया था। हाँ अब ये 40 का देती है, क्योंकि भाई मैंने इसको बहुत भगाई है, मैंने 2020। भाई हालत, भाई वो तो हालत लग रही है, देखिए मेरी बाइक वगैरह देख सकते हैं आप। और भाई पॉजिटिव, बस पॉजिटिव इतने ही थे भाई। तो भाई नेगेटिव की बात कर लेते भाई, अब भाई से भाई इसका नेगेटिव। इसका पहला नेगेटिव तो ये है मेरे भाई, जैसे भी किसी भी बड़े वाहन के साइड से इसको निकालते तो ये बहक जाती है, और इसको मतलब थोड़ी सी भी स्क्रेच वगैरह आती है तो बहुत बुरी दिखने लगती है बस। तो भाई इसके दूसरे नेगेटिव की बात कर लेते हैं। भाई इसका दूसरा नेगेटिव ये है, जब भी मैं ब्रेक लगाता हूँ ना तो एकदम से नहीं रुकता। तो भाई इसमें कॉम्बो ब्रेक है या वैसे ही है? आजकल की टेक्नोलॉजी जैसे इसका ब्रेक नहीं है, देख सकते हैं। भाई कॉम्बो ब्रेक होते तो भाई ज्यादा मतलब अच्छी से इसके ब्रेक लगते हैं। हाँ बस अभी भी मतलब मैं यहाँ रोकना चाहता हूँ तो वो आगे जाकर रुकती है। हाँ इतने कोई खास नहीं ब्रेक। और भाई इसका तीसरा नेगेटिव? इसका तीसरा नेगेटिव ये है इसकी लाइट, मुझे लाइट कोई खास नहीं लगी इसकी। भाई रोड पे चलते समय कोई प्रॉब्लम आती है ना, मेरे हाथ एक बार हादसा होते होते बच गया, क्योंकि मैं इसको दचके में खुदा दी थी बाइक को, और मतलब भाई लाइट तो दिख रही है कोई इतनी खास नहीं है। और भाई बस भाई और कुछ भाई इसका सस्पेंशन में कंफर्ट, भाई कोई दिक्कत अभी तक सस्पेंशन में दिक्कत नहीं आई, कंफर्टेबल है सस्पेंशन भी इसके, वो बाकी कंफर्टेबल बाइक है, मस्त बाइक है। बाइक में आज तक कोई प्रॉब्लम नहीं आई, बस सर्विसिंग टाइम पे कराते रहते हैं। और कोई भाई इसकी प्रॉब्लम? बस तो भाई अब बात कर लेते सर्विसिंग कॉस्ट की। तो भाई इसकी सर्विसिंग कितने की हो जाती है? इसकी सर्विसिंग 1500 के लगभग हो जाती है। भाई आपने कितनी कौन सी सर्विसिंग करवाई है इसकी? पांचवी सर्विसिंग चल रही है। पांचवी? तो भाई कितने की हुई थी आपकी? 1500। भाई 1500 में आपने क्या क्या चेंज करवाए थे? इसके दोनों आगे पीछे ब्रेक शूज। ब्रेक रुको भाई बता देता हूँ, ब्रेक। और भाई और इसके साथ मैंने ऑयल चेंज करवा ली। ऑयल और मतलब पूरे नट बोल्ट सब कसवा लिए। भाई कहाँ पे करवाई थी आपने? मैंने नसलेंज में करवाई थी। अच्छा भाई, एक्सपीरियंस बहुत मस्त रहा। बिहेवियर बल्ब भी चेंज करवाया था, बिहेवियर भी बहुत मस्त था इसका। और कुछ चेंज भाई? बस इतना ही। तो भाई अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आप लाइक कर सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।